लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किया था चैप्टर ऑफ हैलोजन। अगर आपका कोई क्वेश्चन है उससे रिलेटेड तो प्लीज पहले पूछ लीजिए। और आज का जो हमारा डिस्कशन है इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट या टॉपिक रह गया हमारा नाइट्रोजन एंड सल्फर का, वो आज मैं डिस्कस करूंगा। और अगर उसके बाद टाइम बचा तो हम नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे केमिकल एनर्जेटिक्स का। फिलहाल आप मुझे बताइए किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम रिलेटेड टू ग्रुप 17। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चार टॉपिक्स हमारे सिलेबस का पार्ट हैं, जिसमें एक पीरियोडिसिटी है, एक ग्रुप 2 जो मैं पहले आपको करवा चुका था, एक ग्रुप 17 जो अभी मैंने करवाया, और ये लास्ट टॉपिक है नाइट्रोजन एंड सल्फर का। तो ये हमारा इस तरह से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जनाब, अब जो है वो आपने करना क्या है, नाइट्रोजन एंड सल्फर में कोई बहुत ज्यादा जो है वो कहानी नहीं है, कुछ बेसिक चीजें हैं वो मैं आपको बताता हूं। अच्छा जी, तो अब ये नाइट्रोजन एंड सल्फर के चैप्टर में सबसे पहले कुछ थोड़ा सा डिस्कशन है रिलेटेड टू नाइट्रोजन, और रिलेटेड टू नाइट्रोजन में जो डिस्कशन है, देखिए नाइट्रोजन इज अ डायटॉमिक मॉलिक्यूल, और ये नेचर में 78% ऑफ द एयर जो है ये हमारे पास एयर में अवेलेबल है। और नाइट्रोजन के अलावा जो बाकी एलिमेंट्स हैं एयर के अंदर, आपको पता है उनमें ऑक्सीजन विच इज अबाउट 21%, और रिमेनिंग 1% जो है वो अदर गैसेस हैं, जिनमें नोबल गैसेस भी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस गैस भी है, इस तरह मुख्तलिफ गैसेस का जो मिक्सचर है वो तकरीबन 1% बनता है। नाइट्रोजन के बारे में आमतौर पर ओ लेवल में भी आपने पढ़ा, और ये बात आपको अब मैं फिर बता रहा हूं कि नाइट्रोजन के बारे में हम ये कहते हैं कि नाइट्रोजन इज अनरिएक्टिव अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस, या नाइट्रोजन हैज लैक ऑफ रिएक्टिविटी। नाइट्रोजन के अंदर रिएक्टिविटी जो है वो लैकिंग होती है, रिएक्टिविटी कम होती है, नाइट्रोजन रिएक्टिव नहीं होता, और इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन रिक्वायर्ड होती है नाइट्रोजन को रिएक्ट करने के लिए। और इवन आपको पता है कि एटमोसफियर में भी जो नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन भी है, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन भी है, मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअसली कोलाइड भी कर रहे हैं, लेकिन रिएक्शन नहीं होता। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं बनाता, अनटिल एंड अनलेस लाइटनिंग का प्रोसेस नहीं होता। ओ लेवल में आपने पढ़ा था कि जब एयर में लाइटनिंग होती है तो लाइटनिंग के प्रोसेस में इतनी ज्यादा एनर्जी इन्वॉल्व होती है कि फिर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बनाते हैं, और फिर वो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बाद में इस्तेमाल होते हैं। किस तरह से वो मैं आपको आगे बताता हूं। लेकिन पहला क्वेश्चन जो कि पास पेपर में कॉमन क्वेश्चन है, और वो सवाल ये है कि व्हाई नाइट्रोजन इज अनरिएक्टिव, या व्हाई नाइट्रोजन इज इनर्ट टुवर्ड्स केमिकल रिएक्शन। तो नाइट्रोजन के इनर्ट होना, या नाइट्रोजन का अनरिएक्टिव होना, या नाइट्रोजन का लैक ऑफ रिएक्टिविटी शो करना, आमतौर पर जब स्टूडेंट से ये क्वेश्चन किया जाता है तो स्टूडेंट आंसर ये करते हैं कि नाइट्रोजन हैज ट्रिपल बॉन्ड। आमतौर पर इस क्वेश्चन का आंसर ये करते हैं कि नाइट्रोजन हैज ट्रिपल बॉन्ड,
जबकि लॉजिकली ये बात गलत है। नाइट्रोजन हैज ट्रिपल बॉन्ड, ये लॉजिक नहीं है। अगर किसी दो एलिमेंट के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या वो अनरिएक्टिव होगा? ऐसा नहीं है। किसी भी एलिमेंट की कंपाउंड की रिएक्टिविटी इस बात पे डिपेंड करती है कि उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या है। रिएक्टिविटी जो है वो बॉन्ड एनर्जी डिपेंडेंट होती है। अब बॉन्ड एनर्जी डिपेंडेंट होती है, इसका मतलब ये है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि वाई नाइट्रोजन इज इनर्ट या why nitrogen has lack of reactivity, तो इसका आंसर ये है कि it is due to high bond energy of nitrogen molecule. Nitrogen molecule की bond energy high होने की वजह से, nitrogen molecule की bond energy high होने की वजह से हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? हम ऑब्जर्व करते हैं कि वो lack of reactivity शो करता है। आप डेटा बुकलेट में जाकर नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी देखिए कि नाइट्रोजन को रिएक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। आप डेटा बुकलेट से वो डेटा देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी एलिमेंट के मुकाबले में, बाकी जगहों पे, बाकी बॉन्ड्स के मुकाबले में नाइट्रोजन जो है वो हाई बॉन्ड एनर्जी पजेस करता है और हाई बॉन्ड एनर्जी की वजह से उसके अंदर लैक ऑफ रिएक्टिविटी होती है। बेटा बॉन्ड एनर्जी मैं कई दफा ग्रुप 17 में भी इस्तेमाल करवा चुका हूँ। डेटा बुकलेट में बॉन्ड एनर्जी मौजूद है। बॉन्ड एनर्जी हम कहते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, इसे हम बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो बाकी बॉन्ड्स के मुकाबले में काफी ज्यादा होती है और ये एक बेसिक रीजन है इसकी लैक ऑफ रिएक्टिविटी का। अब नाइट्रोजन से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसकी इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है वो है अमोनिया। बेटा मेरे आपका जो सवाल समझ में नहीं आया, इसका लिंक बॉन्डिंग से नहीं होगा, मेरी समझ में नहीं आया। आप क्या पूछना चाह रही हैं मेरी समझ में नहीं आया। किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, उसका बॉन्ड से क्या ताल्लुक है कि बॉन्ड कोई भी हो, हर बॉन्ड को आप ब्रेक करेंगे, हर रिलेशन को ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए और जहां एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड होगी उसको ब्रेक करना मुश्किल होगा, जहां एनर्जी कम रिक्वायर्ड होगी उसको ब्रेक करना आसान होगा। तो जो आपका क्वेश्चन है मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पाया, सॉरी। अमोनिया जो है जी, जितना बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा उतना ही जो है बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, लेकिन ये बॉन्ड एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ कोवेलेंट बॉन्डिंग में इस्तेमाल होता है। कोवेलेंट बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी होती है और जो आयोनिक बॉन्ड होता है उसमें बॉन्ड एनर्जी नहीं होती क्योंकि वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है। ये मैं आपको आयोनिक बॉन्डिंग जब पढ़ाई थी उस वक्त बात बता चुका हूं। अच्छा जी, अब नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन का जो एक कंपाउंड इंपॉर्टेंट कंपाउंड है वो अमोनिया है और अमोनिया बनाने के लिए आपको याद होगा ओ लेवल में आपने पढ़ा था कि अमोनिया प्रिपेयर करने के लिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को रिएक्ट करवाया जाता है और उस रिएक्शन को हैबर्स प्रोसेस कहा जाता है। हैबर साइंटिस्ट का नाम है जिसने ये रिएक्शन जो है वो फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई किया कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाते हैं और आज भी ये इंडस्ट्री में अमोनिया बनाने के लिए ये हैबर प्रोसेस इस्तेमाल होता है। नाइट्रोजन की जो आम तौर पर सोर्स है हमारे पास
वो लिक्विफिकेशन ऑफ एयर है, एयर को लिक्विफाई किया जाता है। ये भी आप ओ लेवल में पढ़ चुके हैं कि लिक्विफिकेशन ऑफ एयर से नाइट्रोजन गैस को सेपरेट किया जाता है। इसी तरह से हाइड्रोजन गैस की जो सोर्स है, हाइड्रोजन गैस की जो सोर्स है वो आमतौर पर जो है वो क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन है। जो हमारा क्रूड ऑयल होता है या जो हमारा फ्यूल होता है उसकी जो क्रैकिंग की जाती है, हैवी हाइड्रोकार्बन्स की जो क्रैकिंग की जाती है उसमें वन ऑफ द प्रोडक्ट जो होता है वो हाइड्रोजन गैस होती है। तो हाइड्रोजन गैस की सोर्स जो है वो क्रैकिंग है और नाइट्रोजन गैस की जो सोर्स है वो लिक्विफिकेशन ऑफ एयर है। तो एयर से नाइट्रोजन आता है और फिर हाइड्रोजन आता है और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाते हैं। हेबर प्रोसेस को मजीद में डिस्कस करूंगा जब हम इक्विलिब्रिया का चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पर इसकी कंडीशंस और उस पर मजीद बात होगी। लिहाजा अभी फिलहाल मैं उस रिएक्शन की तरफ नहीं जा रहा, मैं अब जो इस वक्त बात आपसे कर रहा हूं वो ये है कि अमोनिया मॉलिक्यूल जो है इसके बारे में आपने सुना है अपने ओ लेवल के सिलेबस में भी और एएस में भी कि अमोनिया जो है वो बेसिक इन नेचर है। अमोनिया जो है वो बेसिक इन नेचर है। तो अमोनिया जो है वो बेसिक इन नेचर है और अमोनिया जो है उसके बेसिक नेचर होने की क्या वजह है? सवाल ये पेपर में फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है कि व्हाई अमोनिया इज बेसिक इन नेचर, अमोनिया बेसिक क्यों होता है। अब यहां पर इक्वेशन मैंने आपके सामने लिखी है, अमोनिया रिएक्ट करता है एच पॉजिटिव आयन के साथ टू मेक अमोनियम आयन। ये रिएक्शन अमोनिया के बेसिक कैरेक्टर को शो करता है। ये रिएक्शन मैंने आपको डेटिव कोवेलेंट बॉन्डिंग जब पढ़ाई थी उस वक्त भी ये रिएक्शन बताया था और आपको ये भी बताया था कि यहां एच पॉजिटिव आयन को प्रोटॉन कहते हैं। इसकी वजह यह है कि एच पॉजिटिव आयन में वैसे हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होता है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन लूज कर जाए तो इलेक्ट्रॉन के लॉस के बाद जो बचता है वो एच पॉजिटिव आयन में सिर्फ प्रोटॉन बचता है, इसलिए हाइड्रोजन को प्रोटॉन भी कहा जाता है। और अमोनिया जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है इट मेक्स अमोनियम आयन। और यहां पर अमोनिया को अगर आपसे पूछा जाए कि वाई अमोनिया इज बेसिक इन नेचर, तो आप इसका आंसर ये लिखेंगे जो इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है कि अमोनिया इज एन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक्सेप्टर। प्रोटॉन हम कह रहे हैं हाइड्रोजन आयन को। आप ये भी कह सकते हैं कि अमोनिया एक्सेप्ट हाइड्रोजन आयन, लेकिन प्रोटॉन एक्सेप्टर ज्यादा अप्रोप्रिएट टर्म है। यहां पर प्रोटॉन का मतलब एच पॉजिटिव आयन है। तो अमोनिया इज प्रोटॉन एक्सेप्टर एंड व्हाई इट एक्सेप्ट प्रोटॉन, it is due to the presence of a lone pair of electron at nitrogen atom. आपको याद होगा अमोनिया मॉलिक्यूल में जो कि यहाँ डिस्प्ले भी हो रहा है, अमोनिया मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से अमोनिया जो है वो अपना लोन पेयर शेयर करता है और वो हाइड्रोजन आयन के साथ डेटिव कोवेलेंट बॉन्डिंग करता है। तो हम ये कहते हैं कि अमोनिया इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एट नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होने की वजह से ये एक्ट करता है एज प्रोटॉन एक्सेप्टर और इट मेक्स अ डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड विद एच पॉजिटिव आयन। अब ये जहन में रखिएगा कि अमोनिया और इस जैसे जितने कंपाउंड जहां नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो वो कंपाउंड हमेशा बेसिक इन नेचर होते हैं। हर वो कंपाउंड
जिसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हो वो कंपाउंड बेसिक इन नेचर होते हैं। तो अमोनिया या फिर अमोनिया जैसा कोई और कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन मौजूद है और नाइट्रोजन के पास अपना लोन पेयर मौजूद है, उसने अपना लोन पेयर अभी किसी के साथ शेयर नहीं किया, तो वो लोन पेयर कंटेनिंग नाइट्रोजन एटम हमेशा बेसिक कैरेक्टर शो करेगा। जहां तक शेप ऑफ अमोनिया का ताल्लुक है तो ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, जस्ट रिकॉल, क्योंकि ये बॉन्डिंग के चैप्टर में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये अमोनिया मॉलिक्यूल की डॉट एंड क्रॉस डायग्राम है और इस डॉट एंड क्रॉस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि देयर आर थ्री बॉन्ड पेयर्स एंड वन लोन पेयर, तो टोटल पेयर्स बन रहे हैं चार, जिनमें से तीन बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है। तो टोटल चार पेयर हैं, उनमें से तीन बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल विल बी पिरामिडल इन शेप और इसका जो बॉन्ड एंगल बनेगा वो 107 डिग्री का बनेगा। ये बात हम ऑलरेडी बॉन्डिंग के चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। रिकॉल इसलिए करवा रहा हूं कि नाइट्रोजन के चैप्टर में, नाइट्रोजन सल्फर के चैप्टर में ये बात दोबारा की गई है। नेक्स्ट, अमोनिया जो है जब प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो अमोनियम आयन बनेगा, यानी कि ये लोन पेयर जो है वो एच पॉजिटिव आयन के साथ शेयर करेगा एंड मेकिंग एडिटिव कोवेलेंट बॉन्ड। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का आप देखें यहाँ एडिटिव कोवेलेंट बॉन्ड बन गया है। तो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन के तीन बॉन्ड अपनी जगह हैं, एक बॉन्ड जो बना है वो एडिटिव कोवेलेंट बॉन्ड बना है, तीन के दरमियान एक डॉट एक क्रॉस है और यहां पर जो है वो दो डॉट्स हैं। ठीक है, तो ये पिरामिडल से कन्वर्ट हुआ है इनटू टेट्राहीड्रल, क्योंकि अब जो बॉन्ड पेयर हो गए वो चार हो गए। यहाँ जो लोन पेयर था अब वो लोन पेयर बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल हो गया, तो अब टोटल चार बॉन्ड पेयर हो गए। और चार बॉन्ड पेयर का मतलब ये है कि शेप ऑफ मॉलिक्यूल विल बी टेट्राहीड्रल और इसका जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री का है। यही शेप्स मैंने यहाँ ड्रॉ किए हैं, ये पिरामिडल शेप है और ये टेट्राहीड्रल शेप है। इस तरह भी सवाल आता है एमसीक्यूज में कि व्हाट विल हैपन व्हेन अमोनिया, व्हाट विल बी द चेंज इन बॉन्ड एंगल व्हेन अमोनिया रिएक्ट्स विद एच पॉजिटिव आयन, या सवाल यू भी आ सकता है कि व्हाट इज द चेंज इन शेप ऑफ मॉलिक्यूल व्हेन अमोनिया इज कन्वर्टेड इन टू अमोनियम आयन। तो इस तरह के मुख्तलिफ क्वेश्चन पास पेपर में मौजूद हैं, इसलिए वो चीज मैं आपको रिकॉल भी करवा रहा हूँ और बहरहाल ये आपको पता होना चाहिए ताकि आप अपने क्वेश्चन को आंसर कर सकें। सर सर एक सवाल है सर, जी इसके अंदर जो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना हाइड्रोजन को डेटिव बॉन्ड, इसके अंदर तो हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर रहा है उसको, जी अच्छा, ये बेसिकली जो हम कह रहे हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर या ये दे रहा है, बेसिकली ये शेयरिंग होती है। मैं डेटिव कोवेलेंट बॉन्डिंग में इसको बड़ा वजाहत के साथ बहुत लंबी एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ, अगर आपको याद नहीं है तो डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड रिकॉल करें तो बात आपको डेफिनेटली और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। अच्छा, अब ये जो रिएक्शन आपके सामने लिखा हुआ है जिसमें अमोनिया को मैंने HCl के साथ रिएक्ट करवाया है, ये भी कॉमन रिएक्शन है जो आप अपने ओ लेवल के सिलेबस में पढ़कर आए हैं। इस अमोनिया और HCl के रिएक्शन में अमोनियम क्लोराइड बना है, आप मुझे बताइए कि क्या ये रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता? ये रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता? अच्छा जी, आप लोगों ने कहा कि ये करता है जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे बड़ी हैरत होती है आप लोग के आंसर्स पर। इसकी वजह यह है कि ओ लेवल में आपको ये क्लियरली बताया जाता है कि न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि एच पॉजिटिव आयन और ओ एच नेगेटिव आयन मिलकर वाटर बनाते हैं तो ये न्यूट्रलाइजेशन कहलाता है। न्यूट्रलाइजेशन में वाटर का बनना जरूरी होता है। ये रिएक्शन जो है ये न्यूट्रलाइजेशन नहीं है लेकिन ये एसिड बेस रिएक्शन है। अब आप कहेंगे कि एसिड बेस रिएक्शन तो न्यूट्रलाइजेशन में भी होता है। यस,
न्यूट्रलाइजेशन इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ एसिड बेस रिएक्शन, बट एवरी एसिड बेस रिएक्शन इज नॉट न्यूट्रलाइजेशन. एवरी एसिड बेस रिएक्शन इज नॉट न्यूट्रलाइजेशन. न्यूट्रलाइजेशन में एच पॉजिटिव आयन और ओ एच नेगेटिव आयन मिलकर वॉटर मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं. एच पॉजिटिव आयन और ओ एच नेगेटिव आयन मिलकर वॉटर मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं. जबकि एसिड बेस्ड रिएक्शन वो होता है जिसमें अगर कोई भी एसिड किसी भी कंपाउंड से रिएक्ट करेगा तो वो एसिड बेस्ड रिएक्शन हो जाएगा, और अगर बेस किसी कंपाउंड से रिएक्ट करेगा तो वो भी एसिड बेस्ड रिएक्शन हो जाएगा. तो एसिड बेस्ड रिएक्शन में वॉटर का बनना जरूरी नहीं होता, न्यूट्रलाइजेशन में वॉटर का बनना जरूरी होता. तो ये एक बेसिक डिफरेंस है जो आपको अगले चैप्टर में भी दोबारा यूज करना होगा. जहन में रखिएगा कि एवरी एसिड बेस्ड रिएक्शन इज नॉट न्यूट्रलाइजेशन. अगला जो पार्ट है इसमें वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अमोनियम आयन. ये थ्योरी में भी इंपॉर्टेंट है और ये प्रैक्टिकल में भी इंपॉर्टेंट है. ये टेस्ट आप प्रैक्टिकली परफॉर्म भी करेंगे, और क्योंकि प्रैक्टिकल के अंदर एक पोर्शन है जिसमें आपको सॉल्ट आइडेंटिफिकेशन करवाई जाएगी. सॉल्ट आइडेंटिफिकेशन में आपको एक टेस्ट करवाया जाएगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ अमोनियम आयन का. अच्छा, ये रिएक्शन भी ओ लेवल में आप पढ़कर आए हैं, क्यों आपको मैं नई बात नहीं बता रहा, लेकिन बहरहाल ये एएस का भी सिलेबस है इसलिए रिकॉल करवा रहा हूँ. और रिकॉल ये है कि जब आप किसी भी सॉल्ट को जिसके अंदर अमोनियम आयन मौजूद हो, अमोनियम आयन के किसी भी सॉल्ट में जब आप अल्कली डालते हैं या कोई बेस डालते हैं, NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड या कोई भी और अल्कली, और वो अल्कली डालकर आप उसे हीट करते हैं, कोई भी अमोनियम सॉल्ट हो, तो होता यह है कि अमोनियम सॉल्ट जब भी अल्कली के साथ हीट किया जाता है तो इट रिलीजेस अमोनिया गैस अलोंग विद सॉल्ट फॉर्मेशन एंड वॉटर. लेकिन आप यहां पर चूंकि आप एक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कर रहे हैं, तो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में आप रिजल्ट लिखेंगे. आपने सॉल्ट लिया, उसमें NaOH डाल के हीट कर दिया, और हीट करने के बाद हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई. जब हीट करने के बाद अमोनिया गैस प्रोड्यूस हुई, तो आपको बोलेगे नहीं कि मैं अमोनिया हूं. आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे इस रिएक्शन में कि अ गैस इज प्रोड्यूस्ड, क्योंकि आपको टेस्ट ट्यूब से निकलता हुआ नजर आएगा वो गैस निकलती हुई नजर आएगी. टेस्ट ट्यूब से जो आपको निकलता हुआ नजर आएगा वो गैस नजर आएगी. तो आप लिखेंगे अ गैस इज इवॉल्व्ड व्हिच टर्न्स मॉइस्ट रेड लिटमस टू ब्लू. ये अमोनिया का कंफर्मेशन टेस्ट है. कि अमोनिया गैस है. अगर आपने किसी भी सॉल्ट के अंदर NaOH डाल के हीट किया और हीट करने के बाद उसमें से गैस निकलती है विच टर्न्स मॉइस्ट रेड लिटमस टू ब्लू, तो इट कंफर्म्स प्रेजेंस ऑफ अमोनियम आयन. ये रिएक्शन आप प्रैक्टिकल में भी करेंगे और थ्योरी में भी आपको पता होना चाहिए. एग्जामिनर कहता है कि एक अननोन सॉल्ट है या एक सॉल्ट है एक्स, आपने उसमें NaOH डाल के हीट किया और उसमें एक गैस प्रोड्यूस हुई विच टर्न्स मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर फ्रॉम रेड टू ब्लू, तो आइडेंटिफाई सॉल्ट. तो आपको पता चलना हो जाना चाहिए कि वो सॉल्ट जो भी होगा उसके अंदर अमोनियम आयन मौजूद होगा, बिकॉज अमोनियम आयन जब भी रिएक्ट करता है अल्कली के साथ तो अमोनिया गैस रिलीज करता है विच टर्न्स मॉइस्ट रेड लिटमस टू ब्लू. होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी. अब इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस ऑफ अमोनिया क्या है? ये मैंने रिएक्शन लिखा है कि इट इज यूज फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर. ये वही इक्वेशन है हेबर प्रोसेस की जो मैंने आपको बताई थी पहले भी, कि अमोनिया बना. ये अमोनिया की जो मैन्युफैक्चरिंग है
ये फर्टिलाइजर्स बनाने में काम आता है। तो अमोनिया की प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज इट इज यूज टू प्रिपेयर फर्टिलाइजर, इट इज यूज फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर। और ये दो इक्वेशंस मैंने लिखी हैं जो फर्टिलाइजर बनाने में इस्तेमाल होती हैं कि अगर आप अमोनिया को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करवाएं तो प्रोडक्ट बनेगा अमोनियम सल्फेट, एंड अमोनियम सल्फेट इज यूज एज फर्टिलाइजर। इसी तरह से अगर आप अमोनिया को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएं तो ये अमोनियम नाइट्रेट बनेगा और अमोनियम नाइट्रेट भी फर्टिलाइजर के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो ये दोनों रिएक्शन जो है, ये बोथ रिएक्शंस आर यूज्ड फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर्स, बोथ रिएक्शंस आर यूज्ड फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर्स। तो अमोनिया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलकर और नाइट्रिक एसिड के साथ मिलकर रिलेटिव या रिस्पेक्टिव सॉल्ट बनाता है और ये दोनों सॉल्ट एज फर्टिलाइजर इस्तेमाल होते हैं। अमोनिया इस सॉल्ट की फॉर्म में जब जमीन पे डाला जाता है तो बेसिकली ये नाइट्रोजन की सोर्स है, क्योंकि देखिए आपकी जमीन को फर्टाइल करने के लिए नाइट्रोजन चाहिए, पोटेशियम चाहिए, फास्फोरस चाहिए, क्योंकि ये वो एलिमेंट्स हैं जिनके बगैर प्लांट की ग्रोथ नहीं हो सकती। और प्लांट की ग्रोथ में प्लांट को चाहिए प्रोटीन, और प्रोटीन प्लांट खुद बनाता है, लेकिन प्रोटीन बनाने के लिए जो उसको नाइट्रोजन चाहिए वो नाइट्रोजन ये फर्टिलाइजर प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए फर्टिलाइजर का होना जरूरी है। नेक्स्ट, एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर, ये भी आपके ओ लेवल का टॉपिक है, ये भी आप ओ लेवल में पढ़कर आए हैं। और क्या पढ़ के आए हैं, इस फिनोमिना को कहते हैं यूट्रोफिकेशन। फर्टिलाइजर, अगर आप किसी भी लैंड पर एक्सेसिव फर्टिलाइजर डालेंगे तो वो एक्सेसिव फर्टिलाइजर जो है वो एक प्रॉब्लम जनरेट करता है, उसका एक एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस है, और उस एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस को कहा जाता है यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन। ठीक है, उसे यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। अब आपने अपने ओ लेवल के सिलेबस में पढ़ा हुआ है कि यूट्रोफिकेशन क्या होता है। यूट्रोफिकेशन एक पूरा फिनोमिना है, एक पूरा प्रोसेस है जिसको कलेक्टिवली यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। यूट्रोफिकेशन होता है ड्यू टू एक्सेसिव यूसेज ऑफ फर्टिलाइजर। जब आप फर्टिलाइजर का एक्सेसिव यूज करते हैं, जो जमीन के अंदर फर्टिलाइजर एक्सेस में बच जाता है, और फिर उस जमीन पर आप पानी डालते हैं, बारिशें होती हैं, तो जो एक्सेस फर्टिलाइजर होता है वो बारिश के पानी के साथ या जो पानी आपने डाला है खेत में उसके साथ वो ट्रांसफर होता है फ्रॉम लैंड टू स्ट्रीम ऑफ रिवर या सी। अल्टीमेटली जिस खेत में आपने पानी डाला है या बारिश हुई, अगर वहां पर एक्सेसिव फर्टिलाइजर मौजूद है तो वो बारिश के पानी में डिजोल्व होगा, और वो डिजोल्व होके बारिश के पानी के साथ साथ दरिया में गिरेगा, और दरिया से वो समंदर में गिरेगा। जब वो फर्टिलाइजर दरिया में गिरेगा जिस जगह, या जिस जगह वो समंदर में गिरेगा वहां पर अनवांटेड एल्गी ग्रोथ करेंगे। आपने आमतौर पे देखा होगा कि समंदर के किनारे पर भी और दरिया के किनारे पर भी आपने देखा होगा कि ग्रीन कलर की, जिसको हम काई कहते हैं, वो जमना शुरू हो जाती है, उसी को एल्गी कहा जाता है। तो अनवांटेड एल्गी जो है वो ग्रोथ उनकी इंक्रीज हो जाती है, अनवांटेड एल्गी की ग्रोथ जो है वो इंक्रीज हो जाती है। अनवांटेड एल्गी सरफेस ऑफ वाटर पे बनना शुरू हो जाते हैं, और ये एल्गी की रूश अंदर तक नहीं होती, ये वाटर के, यानी सी वाटर के या रिवर के वाटर के सरफेस पर होते हैं।
तो बेसिकली उसकी वजह से क्या होता है कि रिवर और सी सरफेस इज कवर्ड विद द एल्गी प्लांट. जितना एक्सेसिव होगा फर्टिलाइजर उतना ही तेजी के साथ एल्गी ग्रो करेगा और उतने ही ज्यादा एरिया के अंदर वो फैल जाएगा. उसका नुकसान क्या होगा एल्गी के ग्रो करने का कि लेस ऑक्सीजन इज अवेलेबल फॉर एक्वेटिक लाइफ. आपको पता है कि एक्वेटिक लाइफ का जो सोर्स है ऑक्सीजन का, वो ऑक्सीजन जो है जो पानी के अंदर डिसॉल्व होती है, समंदर के पानी के अंदर जो डिसॉल्व ऑक्सीजन होती है या दरिया के पानी के अंदर जो डिसॉल्व ऑक्सीजन होती है, वो बेसिकली एक्वेटिक लाइफ की ऑक्सीजन की सोर्स है. तो अब अगर एल्गी प्लांट अनवांटेड प्लांट ने ग्रो करना शुरू किया तो वो पानी से ऑक्सीजन लेना शुरू कर देंगे, लिहाजा उस दरिया के अंदर, उस समंदर के उस एरिया के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी. और जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो अल्टीमेटली एक्वेटिक लाइफ के लिए ऑक्सीजन की क्वांटिटी जब कम अवेलेबल होगी तो अल्टीमेटली एक्वेटिक लाइफ डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगी. फिर दूसरी एक और प्रॉब्लम इनकी ये होती है कि ये स्टॉप करते हैं लाइट टू रीच एट द बॉटम ऑफ रिवर और सी. जब एल्गी प्लांट वाटर के सरफेस पे मौजूद होंगे तो सूरज की रोशनी उससे टकरा के रुक जाएगी और वो रोशनी समंदर के अंदर या दरिया के अंदर नहीं पहुंचेगी, जिसकी वजह से ग्रोथ ऑफ यूजफुल प्लांट ग्रोथ ऑफ यूजफुल प्लांट जो है वो डिक्रीज हो जाएगी. क्योंकि जब पौधों को रोशनी नहीं मिलेगी तो वो जो समंदर के अंदर पौधे होते हैं जो कि एक्वेटिक लाइफ की आप समझते हैं, जब प्लांट की ग्रोथ उतनी नहीं होगी जितनी होनी चाहिए तो फीड कम हो जाएगा, फीड कम हो जाएगा तो अल्टीमेटली एक्वेटिक लाइफ जो है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगी. ये पूरा फिनोमेना जो मैंने आपसे डिस्कस किया है, इसको मैं जो है वो एक स्क्रीन पे ले आया हूं. ये पूरा फिनोमिना जो मैंने आपसे डिस्कस किया है ये यूट्रोफिकेशन कहलाता है. और इस वजह से एक्वेटिक लाइफ जो है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है. लिहाजा कोशिश ये होती है, दुनिया में ये काम किया जाता है कि कभी भी एक्सेस ऑफ फर्टिलाइजर, हमारे यहाँ चूंकि कैलकुलेशन नहीं होती वरना प्रॉपर मोलर कैलकुलेशन करके सॉइल की एनालिसिस करवाई जाती है, सॉइल टेस्टिंग के बाद पर एकड़ जो है वो कितना फर्टिलाइजर रिक्वायर्ड है वो कैलकुलेट होता है और फिर उसके बाद उतना ही जो है वो फर्टिलाइजर डाला जाता है जो कि उस सॉइल को फर्टाइल करने के लिए रिक्वायर्ड होता है. ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है. तो इस तरह से अगर किया जाए तो अल्टीमेटली यूट्रिफिकेशन के प्रोसेस को हम जो है वो मिनिमाइज कर सकते हैं और एक्वेटिक लाइफ को डिस्ट्रॉय होने से बचा सकते हैं. तो ये एक एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस है जो कि एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर से होता है. होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी. कोई अगर सवाल है यहां तक की बात से रिलेटेड तो पूछ लीजिए. राइट जी, अब आते हैं हम नेक्स्ट. ये भी आप ओ लेवल में पढ़कर आए. ये देखिए सारे जो मैंने टॉप ये जो बातें आपसे कर रहा हूं वो एक्चुअली आपके ओ लेवल के टॉपिक्स हैं, लेकिन चूंकि ये एएस के सिलेबस का भी पार्ट है इसलिए मुझे रिवीजन करवाना जरूरी है. लेकिन वैसे ये सारा का सारा ओ लेवल में आपने पढ़ा हुआ है. इस चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट है कैटेलिटिक कन्वर्टर का. कैटेलिटिक कन्वर्टर आप सबको पता है कि ये जो है वो कार इंजन में या जो है वो किसी भी इंजन के अंदर लगाया जा सकता है. और ये कैटेलिटिक कन्वर्टर का काम क्या होता है कि इट रिमूव्स अनवांटेड गैसेस फ्रॉम एग्जॉस्ट फ्यूम्स ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन. जब आप कोई भी जब आप
जब आप कोई भी इंजन इस्तेमाल करते हैं, कंबशन इंजन, यानी कि जिसमें आपने फ्यूल डाला, फ्यूल बर्न हुआ, एनर्जी प्रोड्यूस हुई, अब चाहे उससे आप इलेक्ट्रिक करंट बना रहे हैं, कोई गाड़ी चला रहे हैं, कोई और इंस्ट्रूमेंट चला रहे हैं, तो वो आपका इंटरनल कंबशन इंजन कहलाता है, क्योंकि उसके अंदर क्लोज वेसल के अंदर कंबशन का प्रोसेस होता है, और फिर उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो हीट प्रोड्यूस होती है, हम अपनी मर्जी से उसको कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो बेसिकली ये कहलाता है इंटरनल कंबशन इंजन। ये कोई भी हो सकता है, ये गाड़ी का इंजन भी हो सकता है, ये किसी जनरेटर का इंजन भी हो सकता है, या ये कोई और भी डिवाइस हो सकता है जहां पर ये इस्तेमाल किया जाएगा। अब कैटेलिटिक कन्वर्टर का काम क्या है कि ये रिमूव करता है अनवांटेड गैसेस फ्रॉम एग्जॉस्ट फ्यूम्स ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन। जब इंटरनल कंबशन इंजन के अंदर बर्निंग का प्रोसेस होता है, तो बर्निंग के प्रोसेस में क्या होता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने की वजह से या फ्यूल के एक्सेस होने की वजह से कुछ पोलुटेंट्स, पोलुटेंट्स कहते हैं हम अनवांटेड केमिकल इन द एटमॉस्फेयर, पोलुटेंट्स आर नोन टू बी अनवांटेड केमिकल्स इन द एटमॉस्फेयर। वो केमिकल जो हमारे एटमॉस्फेयर का हिस्सा नहीं होने चाहिए, अगर वो हमारे एटमॉस्फेयर का हिस्सा बनते हैं किसी भी वजह से, तो वो जो अनवांटेड केमिकल्स होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, उनको हम पोलुटेंट्स कहते हैं। और एग्जॉस्ट फ्यूम्स के अंदर जो पोलुटेंट्स होते हैं वो ये तीन है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स। ये वो पोलुटेंट्स हैं जो कि एग्जॉस्ट फ्यूम में मौजूद होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड की सोर्स क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड कंबशन इंजन के अंदर बनता है ड्यू टू पार्शियल कंबशन ऑफ फ्यूल। और पार्शियल कंबशन मैंने आपको बताया क्यों होता है। आमतौर पर जब आपका एयर फिल्टर क्लियर नहीं होता, एयर पूरी तरह से इंजन के अंदर नहीं पहुंचती या कम पहुंचती है, या फ्यूल की सप्लाई ज्यादा हो जाती है, तो अल्टीमेटली फ्यूल पूरी तरह से बर्न नहीं होता और वो पार्शियली बर्न होता है। और जब पार्शियल कंबशन ऑफ फ्यूल होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। दूसरा पोलुटेंट नाइट्रोजन ऑक्साइड है, और ये प्रोड्यूस होता है ड्यू टू हाई टेम्परेचर इंटरनल कंबशन इंजन। जब इंटरनल कंबशन इंजन में हीट प्रोड्यूस होती है फ्यूल के बर्न होने की वजह से, तो इंटरनल कंबशन इंजन का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, और उस हाई टेम्परेचर की वजह से एयर में मौजूद नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बनाना शुरू कर देती है। अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में आपको मैं बता चुका हूं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन नहीं होता अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस। लेकिन चूंकि इंटरनल कंबशन इंजन में टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, लिहाजा उस टेम्परेचर पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो एक पोलुटेंट है जो के अंदर इस कंबशन इंजन में बनता है, वो नाइट्रोजन ऑक्साइड है। तीसरा पोलुटेंट जो है वो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन है। अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन जो है ये उस वजह से होता है कि बहुत सारा फ्यूल इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि वो एज इट इज एग्जॉस्ट फ्यूम के अंदर बाहर निकल जाता है, जिसको रिएक्ट करने का मौका नहीं मिलता। तो वो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स हमारे एग्जॉस्ट फ्यूम में मौजूद होते हैं। अच्छा, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस गैस है। ये आमतौर पर जो है इसके अगर ये किसी भी जगह पर मौजूद हो कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये हमारे जो है वो ब्रेन पे इफेक्ट डालती है, और अगर इस ये बहुत एक्सेस में हो जाए तो अल्टीमेटली इससे मौत हो जाती है, क्योंकि ये कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे हेमोग्लोबिन के साथ मिक्स हो जाती है, और हेमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन कैरी करने के बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड को कैरी करके हमारी बॉडी में पहुंचा देता है, और हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जो अल्टीमेटली मौत का सबब बनती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है
वो अल्टीमेटली अगर एक्सेस अमाउंट में ली जाए तो इससे डेथ हो सकती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड का जो इफेक्ट है, या हम इसको क्यों पोल्यूटेंट कहते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होते हैं ये आमतौर पर जो है वो ब्रीथिंग प्रॉब्लम जनरेट करते हैं, ये एसिड रेन का सबब बन सकते हैं रेन वाटर के साथ मिलकर, और इसके अलावा ये जो है फोटोकेमिकल स्मोग जनरेट करते हैं। आजकल सर्दियों के मौसम में ये जो धुंध हो रही है, इस धुंध में वाटर वेपर्स के साथ यही नाइट्रोजन ऑक्साइड के वेपर्स और अनबर्न्ट हाइड्रोकार्बन के वेपर्स शामिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो विजिबिलिटी है वो इंतहाई कम हो जाती है। तो फोटोकेमिकल स्मोग इसे कहते हैं। फोटोकेमिकल स्मोग का जो बड़ा रीजन है वो है ये अनबर्न्ट हाइड्रोकार्बन्स। अच्छा जी बहरहाल, ये तो मैंने आपको इनके साइड इफेक्ट्स बता दिए। अब करते क्या है एग्जॉस्ट फ्यूम्स? तो ये कैटेलिटिक कन्वर्टर की एक डायग्राम है। यहां से इंजन से एग्जॉस्ट फ्यूम्स आते हैं। इस कैटेलिटिक कन्वर्टर के अंदर एक प्लेट लगी हुई होती है और उस प्लेट के ऊपर या तो रोडियम और प्लाटिनियम की कोटिंग होती है या फिर रोडियम और पैलेडियम की कोटिंग होती है। ये यहां पर एज ए कैटेलिस्ट एक्ट करते हैं। एक प्लेट लगी हुई होती है और इस प्लेट के ऊपर जो है रोडियम या प्लाटिनियम की लेयर होती है या फिर रोडियम और पैलेडियम की लेयर होती है। रिएक्शन क्या होता है, ये रिएक्शन आपको आना चाहिए क्योंकि ये आपके सिलेबस का पार्ट है। जब ये दोनों गैसेस कंबशन इंजन में से गुजर कर एग्जॉस्ट फ्यूम से गुजर में होती हैं और जब ये कैटेलिटिक कन्वर्टर में पहुंचती हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ रोडियम एंड पैलेडियम एट अराउंड 250 डिग्री सेंटीग्रेड। इनके दरमियान रिएक्शन होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड इज कन्वर्टेड इंटू कार्बन डाइऑक्साइड व्हाइल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड इंटू नाइट्रोजन गैस। ये नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ये मैं यहां पर इसमें एक करेक्शन रिक्वायर्ड है। ये इक्वेशन जो है ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के साथ इक्वेशन है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ रोडियम एंड पैलेडियम ये कन्वर्ट होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड टर्न्स टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनओ इज कन्वर्टेड इन टू नाइट्रोजन गैस। ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है और जब कैटेलिटिक कन्वर्टर से जो गैस बाहर निकलेगी वो पोल्यूटेंट नहीं होगा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन होगी विच आर नॉट कंसिडर्ड एज पोल्यूटेंट बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ एयर। इसके अलावा जो अनबर्न्ट हाइड्रोकार्बन है, आमतौर पर हाइड्रोकार्बन जो होते हैं पेट्रोल के अंदर वो 7 कार्बन 8 कार्बन 9 कार्बन का हाइड्रोकार्बन होता है। तो ये मैंने अनबर्न्ट हाइड्रोकार्बन की इक्वेशन लिखी है कि वो भी एयर की प्रेजेंस में रोडियम और पैलेडियम के की प्रेजेंस में 250 पर कन्वर्ट हो जाता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अनबर्न्ट हाइड्रोकार्बन को भी रिमूव करना जरूरी है वरना वो हमारी एयर के अंदर अगर आता जाएगा तो वो हमारी एयर के अंदर जो है वो फोटोकेमिकल स्मोक एज वेल एज ब्रीथिंग प्रॉब्लम जनरेट करता है, क्योंकि इसका जो इफेक्ट होता है ये गले में कड़वाहट सी पैदा कर देता है, ये ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी जनरेट करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट कैटलेटिक कन्वर्टर, कि हाउ कैटलेटिक कन्वर्टर इज यूज्ड और इसका जो पर्पस है वो क्या है वो मैंने आपको बता दिया। नाउ दीज आर द इक्वेशंस जो आपको कैटलेटिक कन्वर्टर में पता होनी चाहिए। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। फाइनली आपको मैं इसमें एक और बात बताऊं, दैट इज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड बाय नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये रिएक्शन हमारे एटमॉस्फेयर में हो रहा है। इसका मैकेनिज्म और इसकी डिटेल तो आप A2 के सिलेबस में पढ़ेंगे, लेकिन AS में आपको ये रिएक्शन पता होना चाहिए।
कि हमारे एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड मौजूद होती है जो आमतौर पर वॉल्केनोस एरप्शन से बनती है। सल्फर डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में रिएक्ट करती है एयर के साथ और यहां पर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड यूज एज ए कैटलिस्ट, और ये नाइट्रोजन ऑक्साइड मोनोऑक्साइड भी हो सकता है, डाइऑक्साइड भी हो सकता है, या नाइट्रोजन का कोई और ऑक्साइड भी हो सकता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होकर सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, और फिर ये सल्फर ट्राइऑक्साइड रेन वाटर के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, और ये सल्फ्यूरिक एसिड जब रेन वाटर के साथ मिक्स होता है तो ये एस फर्टिलाइजर एक्ट करता है। ये अल्लाह ताला ने एक नेचुरल इंतजाम रखा है इस जमीन को फर्टिलाइजर पहुंचाने में। तो देखें, बारिशों में सिर्फ पानी नहीं मिलता हमें, बल्कि बारिशें अपने साथ फर्टिलाइजर भी लाती हैं। जो रेन फॉरेस्ट होता है जो खुद ब खुद ग्रो करता है, वहां पर आप कोई फर्टिलाइजर जाके डालते नहीं है, रेन फॉरेस्ट खुद ही ग्रो करता है, और रेन फॉरेस्ट के ग्रो करने के अंदर ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। कुदरत ने ये इंतजाम रखा है कि वो फर्टिलाइजर एयर के अंदर जनरेट होता है और वही फिर लैंड पे गिरता है और उस लैंड को फर्टिलाइज करता है। हाँ, लेकिन अगर आप फॉसिल फ्यूल को बर्न करें और फॉसिल फ्यूल की बर्निंग इतनी ज्यादा हो तो फिर उस एनवायरनमेंट में सल्फर डाइऑक्साइड एक्सेस में हो जाता है, और अगर सल्फर डाइऑक्साइड एक्सेस में होगा तो अल्टीमेटली फिर एसिड रेन होती है उसकी वजह से, और एसिड रेन जो है वो हमारे बिल्डिंग मटेरियल को डिस्ट्रॉय करती है और हमारी एक्वेटिक लाइफ को डिस्ट्रॉय करती है। ये एसिड रेन का नुकसान है। तो ये रिएक्शन लिमिटेड अमाउंट में रहे जो कि नेचुरल है तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, लेकिन अगर हम फॉसिल फ्यूल इसी तरह बर्न करते रहे और वो फॉसिल फ्यूल से सल्फर डाइऑक्साइड बनता रहा और वो एटमॉस्फेयर में जाकर सल्फर ट्राइऑक्साइड में, और फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हुआ, रेन वाटर के साथ मिला, और जब उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी तो अल्टीमेटली एक्सेस की वजह से वो एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और एसिड रेन का जो नुकसान है वो क्या है कि वो बिल्डिंग मटेरियल को डिस्ट्रॉय करता है। एसिड रेन जो है वो बिल्डिंग मटेरियल को डिस्ट्रॉय करती है। मतलब अगर आप देखें, एसिड रेन पड़ती है जो आपके बिल्डिंग्स हैं उनके अंदर मुख्तलिफ केमिकल्स होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड उनसे रिएक्ट करके उनको डिस्ट्रॉय करता है। अगर कोई मार्बल का जो है वो कोई चीज बनी हुई है, कोई बिल्डिंग बनी हुई है, उस पे फ्रंट पे मार्बल लगा हुआ है या उसके सरफेस पे के मार्बल लगा हुआ है, तो एसिड रेन जब मार्बल पे गिरेगी तो मार्बल इज बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट, और अल्टीमेटली कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड, तो वो पूरा का पूरा कार्बोनेट, वो पूरा का पूरा मार्बल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये जो है वो इसका अल्टीमेटली साइड इफेक्ट। तो ये मैंने आपको जो है वो ओवरऑल नाइट्रोजन एंड सल्फर के बारे में जो आपका सिलेबस है वो बता दिया है। आपने ये काम करना है, अगेन अपनी बुक से नाइट्रोजन सल्फर का टॉपिक पढ़ना है, और बुक में जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन मौजूद है वो अटेम्प्ट कर लीजिएगा। ये हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन कम्प्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड हम शुरू करेंगे अपना एनर्जेटिक्स का टॉपिक। दो चैप्टर रह गए फिजिकल केमिस्ट्री के, पहले मैं वो कम्प्लीट करवाऊंगा, देन आई विल मूव टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो होपफुली जब हमारी फिजिकल क्लासेस शुरू हो जाएंगी तो इंशाल्लाह जो है वो कल की क्लास में मैं स्टाइनी के जो नेक्स्ट आपकी क्लास है उसमें मैं एनर्जेटिक्स स्टार्ट कर दूंगा, फिर ऑनवर्ड जो हम जो है वो इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे जब हमारी फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। एनी क्वेश्चन जरूर रीडिंग कर लीजिएगा, आसान चैप्टर है, मेमोराइज करने वाली चीजें हैं, आसान क्वेश्चन आते हैं इसके, लेकिन एक दफा दो दफा पढ़ लीजिएगा ताकि आपको जो है वो अगर कोई प्रॉब्लम भी हो तो आप मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछ सकें। ठीक है जी, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन? नो सर।